नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर जनवरी 2024 से जून 2024, पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर की वीडियो है। और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रक्षा सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर है। दोस्तों आपके लिए पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक बन चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां से आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे और वहां पर पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आपके लिए बन चुकी है, जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपके पास पिछले 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, भारत किस देश के साथ युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायंप। तो जो टाइगर ट्रायंप है, ये जो युद्धाभ्यास किया गया है, ये किसके साथ आयोजित किया गया था? तो अमेरिका के साथ। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास टाइगर ट्रायंप 24 का आयोजन किया गया। जो टाइगर ट्रायंप 24 है, इसका आयोजन 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्री तट पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अदिति योजना है, तो ये रक्षा क्षेत्र से, तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है अदिति योजना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024, इसके दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो जो समुद्र लक्ष्मण है, तो समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया, तो भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास विशाखापत्तनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया, और यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच एक संयुक्त नैसैनिक अभ्यास था। इस अभ्यास का ये तीसरा संस्करण था। और जो समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण, इसका आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह 12वीं ज्वाइंट वर्क ग्रुप कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी मंगोलिया में। तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16 और 17 मई 2024 को मंगोलिया राजधानी उलान बटार में आयोजित की गई थी। तो उलान बटार जो कि मंगोलिया की राजधानी है, तो यहाँ पर ये आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है गगन स्ट्राइक द्वितीय कहाँ आयोजित की गई? जो गगन स्ट्राइक है, तो गगन स्ट्राइक द्वितीय, इसका आयोजन पंजाब में किया गया। तो भारतीय सेना की खड़गा कोर, जो सेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है, इसने पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक द्वितीय का समापन किया। जो गगन स्ट्राइक द्वितीय है, इसका लक्ष्य है भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों में जुड़ी प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित इलाकों में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के रोजगार को मान्य करना। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति है, तो इसका आयोजन किन देशों के सेनाओं के बीच किया गया? तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शक्ति, इसका आयोजन किया गया। तो भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका आयोजन 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। फ्रांस और भारत के बीच जो अन्य सैन्य अभ्यास है, तो इसमें जो नौसेना अभ्यास है इसका नाम है वरुण, और जो वायुसेना अभ्यास है इसका नाम है गरुड़। ये आयोजित किया जाता है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच। और जो ये शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2024 में एक्सरसाइज पूर्वी लहर, तो
जो एक्सरसाइज पूर्वी लहर है इसका आयोजन किसने किया था? तो एक्सरसाइज पूर्वी लहर तो इसका आयोजन भारतीय नौसेना ने किया था। तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने 20 अप्रैल 2024 को पूर्वी समुद्री तट पर अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया। जो पूर्वी लहर अभ्यास है इसका उद्देश्य है क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आकलन करने की प्रक्रियाओं को मान्य करना। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पक को किस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया? तो जो पुष्पक है तो इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया पुष्पक को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चैलकेरे में एटिया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी पुष्पक के लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2024 में भाग ले रहा है? तो लामितीय 2024 भारत और किस देश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह है सेशल्स। भारत और सेशल्स की सेनाओं के बीच लामितीय 2024 का आयोजन किया गया। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच यह 10वां अभ्यास था। लामितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया गया। क्रियोल भाषा में जो लामितीय है इसका मतलब होता है दोस्ती। एक्सरसाइज लामितीय 2024 में इंडियन गोरखा राइफल्स और सेशल्स डिफेंस फोर्स शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो जो सागर कवच अभ्यास है तो सागर कवच अभ्यास लक्षद्वीप में आयोजित किया गया। सागर कवच अभ्यास तो हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क सुरक्षा एजेंसी, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया सागर कवच जो यह अभ्यास था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का आयोजन किया जा रहा है? जो डस्ट लीक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच किया जा रहा है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मे जिले में आयोजित किया गया। इसका जो पिछला संस्करण है ये 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा युद्धपोत लॉन्च किया गया था? तो मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए INS अग्रे और INS अक्षय इन दोनों युद्धपोत को लॉन्च किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज अग्रे INS अग्रे और INS अक्षय इन दोनों को लॉन्च किया गया। इन जहाजों का निर्माण GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था और इन्हें पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और तटीय जल में खादान बिछाने के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, INS जटायु का उद्घाटन कहां किया गया? जो INS जटायु है तो इसका उद्घाटन मिनिकॉय में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में इंडियन नेवल शिप INS जटायु का उद्घाटन किया। कावर्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। कावर्ती ये लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जहां पर INS जटायु का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में कौन सा मेगा अभ्यास किया? तो भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2024 में गगन शक्ति मेगा अभ्यास किया। तो भारतीय वायुसेना गगन शक्ति 2024 के नाम से देश का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास गगन
शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया और ये अभ्यास 1 अप्रैल 2024 से पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। जो गगन शक्ति है, इसके पहले आखिरी बार इसे 2018 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2024 में पहली बार फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किस नाम से किया गया? तो ये किया गया Mark 1A, ए ऑप्शन। तो फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण Mark 1A नामक पहले विमान का परीक्षण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन सेशल्स में इसका आयोजन किया गया, सी ऑप्शन सही जवाब है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशल्स के पोर्ट विक्टोरियो में आयोजित किया गया और भारतीय नौसेना के जहाज INS TIR ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया और इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? तो इसका नाम है समुद्र पहरेदार, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने DRDO के साथ मिलकर 3 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली दो चरणों वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो अयोध्या अभ्यास है इसे भारत और थाईलैंड, तो भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास अयोध्या को आयोजित किया जाता है। तो दिसंबर 2023 में आयोजित पहले भारत थाईलैंड नौसैनिक अभ्यास को एक्स अयोध्या नाम दिया गया, जो दो सबसे पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या के महत्व का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया गया। तो हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया और अभ्यास जो डेजर्ट नाइट है इसमें 3 देश शामिल हुए, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात इसमें पहली बार शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो मिलन अभ्यास है तो इसका आयोजन विशाखापत्तनम में, तो विशाखापत्तनम में मिलन अभ्यास आयोजित किया जाएगा। मिलन जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है और इसका 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसकी थीम रखी गई थी, जो ये मिलन अभ्यास है इसकी थीम रखी गई थी सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। मिलन अभ्यास का संचालन किया भारतीय नौसेना ने और मिलन क्या है, एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत शुरू किया गया था और इस अभ्यास में विदेशी देशों की भागीदारी भी शामिल है और पहला जो संस्करण हुआ था उसमें केवल 4 देश शामिल हुए थे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, तो इन 4 देशों ने उस समय भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन, शांति प्रयास जो चतुर्थ है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन नेपाल में। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ का आयोजन नेपाल में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुल मिलाकर 19 देशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में आयोजित एक्सरसाइज दोस्ती 16 में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया?
जो एक्सरसाइज दोस्ती 16, तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव इन तीन देशों ने भाग लिया। भारतीय और श्रीलंकाई तट रक्षक जहाज हाल ही में अभ्यास दोस्ती 16 के लिए मालदीव में शामिल हुए और अभ्यास दोस्ती का जो आयोजन है ये 22 से 25 फरवरी 2024 तक किया गया। इसका आयोजन मालदीव में किया गया और ये इस अभ्यास का 16वां संस्करण था, इसलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया। बांग्लादेश इस अभ्यास में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव दोस्ती एक्सरसाइज दोस्ती 16 में शामिल हुए। इन तीनों देशों ने इसमें भाग लिया और जो बांग्लादेश है ये ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो वायु शक्ति 2024 है तो इसका आयोजन जैसलमेर, राजस्थान में किया गया। तो जैसलमेर, राजस्थान में वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त अभ्यास खंजर 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जो खंजर 2024 है तो इसका आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया और ये इसका 11वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 26, आईएमटी ट्रायलेट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व किस देश के बीच किया गया? तो भारत और तंजानिया। तो भारत और तंजानिया के बीच आईएमटी ट्रायलेट का आयोजन किया गया और ये इसका दूसरा संस्करण था और आयोजन किया गया तंजानिया की जंजीबार और मापुटो बंदरगाह में। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 का आयोजन किया गया? तो जो धर्म गार्जियन 2024 है तो इसका आयोजन भारत और जापान की सेनाओं के बीच किया गया। तो भारत और जापान का ही संयुक्त सैन्य अभ्यास था धर्म गार्जियन और ये इसका 5वां संस्करण था और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो डेजर्ट साइक्लोन इसका आयोजन भारत व संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, डेजर्ट साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त अभ्यास चक्रवात 2024 का आयोजन भारत व किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया और इसका दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन मिस्र के असांस में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक 2024, जो सदा तनसिक 2024 है तो इसका आयोजन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच किया गया? तो भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक 2024 का आयोजन किया गया और इसका पहला संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था राजस्थान के बीकानेर में। तो राजस्थान के बीकानेर में जो सदा तनसिक 2024 है तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज की करंट अफेयर की वीडियो। जो ये करंट अफेयर की ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, वहां से आप पिछले 6 महीने की करंट अफेयर की ई बुक आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।